प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रोहतक से। आपको बता दें कि रोहतक के पीजीआई में आईसीयू कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईसीयू कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईसीयू कॉम्प्लेक्स की यह सौगात रोहतक पीजीआई को मिली है। आपको बता दें कि इस 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स में 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर मौजूद है और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस शुभारंभ के दौरान ऑनलाइन मौजूद रहे और इस दौरान भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे। इस आईसीयू कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बता दें कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर 34 बेड के आईसीयू की सुविधा दी गई है और इसके साथ ही इस संस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो रोहतक से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि रोहतक के पीजीआईएमएस में आईसीयू कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीजीआई में आईसीयू कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया और आपको बता दें कि 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स में 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर मौजूद है जिसके फर्स्ट फ्लोर पर 34 बेड के आईसीयू की सुविधा दी गई है और आपको बता दें कि इस संस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस दौरान ऑनलाइन जुड़े रहे तो वहीं भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो रोहतक से आ रही है। अरे ऐसे जो कोविड की महामारी कोविड-19 की महामारी जो चली हुई है, ऐसे मौके पर आपने जो तोहफा दिया है रोहतक पीजीआईएमएस को, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। 2013 में इसकी शुरुआत हुई लेकिन कहीं आकर के धीरे धीरे काम करके ये आप देखेंगे 2013 से आज आप कितना लंबा समय इसको काम को लग गया। लेकिन आप लोगों के, मैंने एक बार जब आपसे बात की माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपको याद होगा मैंने आपको जब याद दिलाया तो आपने तुरंत इस पर एक्शन लिया और पैसे की कमी ना होने का एक वायदा किया और आज आपके नेतृत्व में ये न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स बनकर के तैयार है, जो कि आपके नेतृत्व में जब आपने देखा कि किस तरह से कोविड की महामारी में इस रोहतक के पीजीआईएमएस को भी जिस चीज की जरूरत थी आपने आगे बढ़ करके उस काम को किया और मैं आपकी बहुत ही पूरे शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोविड की महामारी से जिस इंटेलिजेंस से जिस नेतृत्व से आपने इस महामारी का पूरे देश में मुकाबला कराया है वो पूरा सराहनीय है और आज इतनी पॉपुलेशन का देश, इतनी जनसंख्या का देश भी पूरे विश्व में, पूरा विश्व देखता है, पूरा वर्ल्ड इस बात को देखता है कि भारत ने जिस तरह से इस कोविड की महामारी को साथ निपटा है वो उसकी सराहनीय, सारा प्रशंसा वो आपको जाती है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। मैं फिर से आपका इन शब्दों में धन्यवाद करता हूँ और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन जी कि रोहतक का ये इलाका, ये हमारा पीजीआईएमएस और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी पंडित भगवतदयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप थोड़ा सा इसमें एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें आए, दोनों मंत्री विजिट करें और विजिट करने के बाद एक बार देखें। मैं कहता हूँ ये आपके देश के सबसे टॉप लोगों के मेडिकल, जैसे आप एम्स का आप ध्यान रखते हैं इसी तरह से आप रोहतक का भी, इस इलाके का भी, इस पीजीआईएमएस का और मेडिकल यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अगर आपकी नज़र और इनायत रहेगी तो मैं कहता हूँ देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में रोहतक का नाम आ सकता है और ये सेवा का एक ऐसा इलाका, पूरा हरियाणा इसकी सेवाएं लेता है पुराने समय से, हरियाणा के साथ साथ और भी कई स्टेटों के पेशेंट भी यहाँ पर आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसकी तरफ ध्यान करेंगे, आपने पूरा ध्यान भी किया है लेकिन मैं और चाहता हूँ मेडिकल कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, हमारे पीजीआईएमएस को और ज़्यादा अच्छे से आप देखेंगे तो इसको बढ़ाया जाए। मैं समय समय पर आपको सारी बातें, माने मंत्री जी जितनी भी बातें कही जाए उतनी थोड़ी है लेकिन आप हर चीज का ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, मोदी जी का जो सपना है, आपका आप कंधे से कंधा मिला करके उस सपने की तरफ आप बढ़ते हुए, आप लोगों ने जब कोविड की महामारी शुरू हुई थी तब आप देखेंगे किस तरह से हमारे देश में पीपी किट की और आपके जो है फेस मास्क से और भी, नवंबर दिसंबर के महीने में
इन सारे कारणों से जो है ऐसा ना हो कि ये जो हमारी एक प्रकार से सफलता की ओर बढ़ती हुई बाजी है ये हम फिर से परेशानी में पड़ जाए। और दिल्ली का और हरियाणा का चोली दामन का साथ है, हम सब लगातार 10 महीने से देख रहे हैं कि जब दिल्ली प्रभावित होता है तो हरियाणा भी प्रभावित होता है, हरियाणा दिल्ली और एनसीआर को सबको बराबर की तकलीफ सहन करनी पड़ती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष अनुरोध है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से और इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं डॉक्टर्स हैं इन सबसे भी अनुरोध है कि समाज में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आंदोलन विकसित करने के लिए जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश तक उनको देना पड़ा, कोई किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़े, किसी भी प्रकार की चूक ना छोड़े। इस प्रकार की तैयारियां चल रही है, जिस प्रकार से वैज्ञानिकों ने सहयोग किया है, काम किया है, सफलता की दिशा में वो तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2021 के शुरुआत में आते आते ही 2021 के साथ साथ उसके हमारे लिए देश के लोगों के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी और फिर वैक्सीन को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को सबको अभी से तैयारियां करने के लिए गाइडलाइंस ट्रेनिंग और सारे एक्टिविटीज को शुरू किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन सब प्रक्रियाओं में भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप पूरी गहराई से अपने अधिकारियों के साथ शामिल होकर समयबद्ध तरीके से अपनी वो सब तैयारियां भी पूरी करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हरियाणा के स्वास्थ्य के लिए मैं दिल से शुभकामना देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। और ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रांगण में, इस इंस्टीट्यूट में, रोहतक की प्रतिष्ठित संस्थान में, इसके लिए सभी डॉक्टरों को और हरियाणा के और विशेषकर रोहतक के सभी शिक्षकों में बहुत बहुत बधाई देता हूं।